ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जमशेदपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बागबेड़ा पुलिस पर थर्ड जेंडर की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। इसके खिलाफ अब किन्नर समाज गोलबंद हो चुका है। वहीं एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखिए रिपोर्ट। 1 अगस्त की रात टाटा नगर रेलवे स्टेशन के पास बागबेड़ा पुलिस और किन्नर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद ने तूल पकड़ा और मामला थाने तक पहुंच गया। इस बीच थाना प्रभारी की मौजूदगी में थाना में मौजूद पुलिस के अधिकारी और जवानों ने किन्नर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जहां किन्नर की पीठ पर मौजूद पुलिसिया पिटाई के दाग इसकी गवाह दे रहे हैं। तो रात में 10-11 बजे के आसपास है ना, टाटा नगर स्टेशन में मेरी फ्रेंड के साथ मारपीट हुआ। वहां पे कुछ लड़का लोग पुलिस बन के, बिना वर्दी में भी पुलिस बन के गन पिस्तौल लेके घूमता है, वही लड़का लोग इसके साथ मारपीट किया। एक था वहां पे कांस्टेबल, वर्दी में था समझे, वही बात लेके हम लोग फिर थाना गए। वो लोग बोला हम लोग बागबेड़ा क्षेत्र का थानेदार है, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग क्या बागबेड़ा डीजी रोड में जो थाना है वहां पे गए। मेरी फ्रेंड गई और उसका जो चेला है वो गई, मेरे जो चेला है वो लोग गई साथ में। साथ में गई थाना में भी ये लोग के साथ मारपीट किया। पूरा थाना प्रभारी भी तमाशा देख रहा है, बड़ा बाबू तमाशा देख रहा है, जितना कांस्टेबल है सब तमाशा देखा। मारपीट हुआ सब हुआ, उसके बाद बड़ा बाबू हाथ जोड़ा, निवेदन किया जो आप लोग आज नहीं कल रात को 10 बजे आइएगा, आप लोग का जो है फैसला हो जाएगा, जो नुकसान हो उसका भरपाई हो जाएगा, ठीक है। इधर घटना के संबंध में बागबेड़ा थाना प्रभारी पीसी सिन्हा ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने पर वे उल्टे पुलिस पदाधिकारी पर झूठा आरोप लगाते हुए देर रात थाने में बवाल मचाया। फिर अगले दिन कुछ थर्ड जेंडर थाना पहुंचे और तोड़ फोड़ भी किया। इन्हें शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन इनकी तरफ से एक नहीं सुनी गई। उल्टा इन्होंने थाने में घुसकर वाहनों के शीशे तोड़े और हथियार छीनने का प्रयास किया। कल 2 तारीख को करीब 12 बजे के आसपास में करीब 12-14 किन्नर आए और बहुत ही अश्लील गाली गलौज हल्ला गुल्ला करते हुए परिसर में घुस गए। उसमें बहुत कम पुलिस थे थाना में, सबके साथ धक्का मुक्की मारपीट और मैं भी उसी क्रम में आया। इस क्रम में काफ़ी उग्र थे और बहुत अश्लील हरकत, अश्लील गाली गलौज और मारपीट धक्का मुक्की, और इसी क्रम में वो उस रिश्ता में घुस गए, ऑफिस में घुस गए, जवान का राइफल छीनने का प्रयास किया, गार्ड रूम में घुस करके मारापीटी करना शुरू किया और सामान को इधर उधर फेंकना शुरू किया। पूरे मामले को लेकर जमशेदपुर एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बागबेड़ा थाने में शिकायत लेकर गई थी, जो शिकायत पर उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनके साथ मारपीट की गई है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी से भी बात की गई है और उनका एक दूसरा पक्ष है। इस संदर्भ में निष्पक्ष जांच करने के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को निर्देशित किया गया है और इसमें जिसकी भी गलती होगी, जिस भी पक्ष की गलती होगी, उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई। वहां से भी अपने अपने आरोप हैं, इसीलिए एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि सही तथ्य सामने आ सके और विधि सम्मत कार्रवाई। न्याय की मांग को लेकर ये किन्नर समाज जिले के एसएसपी के पास पहुंचे और अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है और किन्नर समाज को कब तक न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो जमशेदपुर में किन्नर समाज के लोग न्याय को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि पुलिस ने बिल्कुल बर्बरतापूर्वक पिटाई की है। हालांकि पुलिस की ओर से भी सफाई सामने आया है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रभात लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, जहां एक तरफ किन्नर समाज के लोग ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने उन्हें थाने में भी पीटा है और थाने के बाहर भी पीटा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पहले बदतमीजी किन्नर समाज के लोगों की ओर से की गई, पुलिस पदाधिकारियों के साथ भी बदतमीजी की गई, हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। ऐसे में क्या यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि पुलिस का अमानवीय चेहरा था? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, 1 तारीख की घटना है। 1 तारीख के शाम के वक्त जो स्टेशन है, स्टेशन के पास में जो बागबेड़ा
का पेट्रोलिंग जीप है, उस जगह पेट्रोलिंग जीप खड़ा था और एक व्यक्ति के साथ में जो आरोप लगाया जा रहा है कि किन्नर समाज के लोगों के द्वारा कुछ वहां हरकत किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद वहां मामला बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर दोनों थाने पहुंचे और थाने में थानेदार ने कहा कि आप लोग कल आइएगा, कल आके इस मामले का निपटारा किया जाएगा। जब कल दूसरे दिन दांत में पहुंचते हैं तो वहां भी जिस तरीके से पुलिस ने बताया, थाना प्रभारी ने बताया कि वहां पहुंचने के बाद भी उन लोग के द्वारा अश्लील हरकत करने लगे, उसके बाद वहां बगझग होने लगा, उसके बाद उन लोगों ने थाने के जीप के साथ तोड़फोड़ की, हथियार छीनने का प्रयास किया, सारे मामले सामने। लेकिन ये मामले सब तरफ एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से किन्नर को पिटाई की गई है वो कहीं ना कहीं अमान्य चेहरा सामने आता है। चूंकि अगर ठीक है पुलिस कार्रवाई करती नहीं करती बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से किन्नर को पीटा गया वो साफ विजुअल में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन लोगों को पीटा गया। उसके बाद उन लोग आज जिले के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उनके पास पहुंचा और उन लोगों ने पहले मिलकर वहां मिला और उसके बाद उनसे कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि जिले के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है किशोर कौशल ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को लेकर एक डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को जांच का जिम्मा दिया गया है, जो भी दोषी होगा चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे पुलिस का कॉन्स्टेबल हो, चाहे किन्नर समाज को, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अगर किन्नर समाज ने अगर गलत की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर पुलिस अगर किसी तरह का बर्बरता जिस तरीके से साफ सामने देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिटाई की गई है किन्नर को, वो सामने साफ देखा जा सकता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, आज दिन भर ये पूरे चर्चा का विषय बना रहा शहर में कि किन्नरों के द्वारा लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, वो कहीं ना कहीं अब देखना है कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। जी आयुष, बिल्कुल, देखिए जांच में क्या सामने आता है। और बिल्कुल प्रभात, आपने भी ठीक कहा कि मान लिया जाता है एक वक्त के लिए कि हो सकता है कि किन्नर समाज के लोगों की ओर से बदतमीजी की गई होगी, लेकिन जो अमानवीय चेहरा का बात हम कर रहे थे, जिस चेहरे के जिस पहलू की बात हम कर रहे थे, वो ये है कि किन्नर समाज के लोगों को पीटा गया है और उसके निशान साफ तौर पर ये गवाह हैं कि कितनी बेरहमी से पिटाई की गई। प्रभात, SSP किशोर कौशल ने ये कहा है कि अब पूरी तरह से इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल किन्नर समाज के लोगों ने क्या रुख अख्तियार किया है? बिल्कुल, देखिए जब आज किन्नर समाज के लोगों ने जब सीनियर एसपी से मुलाकात की और सीनियर एसपी ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है कि जो भी लोग दोषी है उन लोगों का साफ कहना है कि थाना प्रभारी को हटाया जाए और जो इनके साथ में बर्बरता की गई, जिन पुलिसकर्मी के द्वारा इनको पीटा गया है, उसको तत्काल यहाँ हटाया जाए। तो उन्होंने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मा सौंपा है जांच का, अगर पुलिसकर्मी दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किन्नर समाज ने भी अगर थाने में तोड़फोड़ की है, अगर थाने को जिस तरीके से थाना प्रभारी कह रहा है कि थाने में जिस तरीके से घुसकर हथियार तोड़ने लेने का प्रयास किया गया, जो सिरिस्ता है उसमें घुसकर हंगामा किया गया, अस्थिर हरकत की गई है, तो ऐसे हैं उनको पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर यह कह सकते हैं, लेकिन पुलिस को अगर सारी बातें एक तरफ, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी बातें एक तरफ, गलती की है तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा भी मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रभात को अब साफ तौर पर SSP किशोर कौशल ने कह दिया है कि इस मामले की गहनता से जांच होगी और चाहे पुलिसकर्मी आरोपी होंगे उनकी गलती होगी या फिर किन्नर समाज के लोगों की गलती होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता प्रभात ने बताया, इस वक्त की अपडेट यह है कि किन्नर समाज के साथ मारपीट मामले में फिलहाल SSP किशोर कौशल ने आश्वासन दिया है कि मामले को लेकर जल्द कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।